हेलो एवरीवन, मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग, जिसमें आप जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है वो यहां से जाकर के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकता है। अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐड किया गया है, बट वेरी सून विद इन 2 मंथ वी विल ऐड ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस यू कैन राइट डाउन द आंसर इन दिस सेगमेंट। यहाँ से इसको क्लिक करके वो क्वेश्चन का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप कमेंट में आंसर राइट डाउन कर सकते हो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए अंडर द डिस्कस। ओके, तो यहाँ से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड, मैं भी एक डेली आंसर लिखता हूँ। आई विल प्रोवाइड कि मैंने क्या लिखा है इस आंसर के अंदर, जो मैं हर दिन क्वेश्चन अपलोड करने के बाद शाम तक अपलोड कर दूंगा। आप भी अपना आंसर लिखिए, अपना अपडेट कीजिए और मैं भी अपना लिखूंगा। एंड लेट्स इम्प्रूव टुगेदर द आंसर राइटिंग फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच विल हेल्प ऑल माई सब्सक्राइबर्स। ये आज का क्वेश्चन है, नाइदर अलेक्जेंडर द ग्रेट नॉर नेपोलियन कुड हैव ओन द एम्पायर ऑफ इंडिया बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉन्डिचेरी एज अ बेस एंड द कंटेंडिंग विद द पावर विच हेल्ड बंगाल एंड कमांड ऑफ द सी। तो ये क्वेश्चन अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन के बारे में नहीं है, ये ड्यूपले और क्लाइव के बीच जो लड़ाई हुई थी उससे रिलेटेड है कि कैसे जो था ड्यूपले था वो साउथ से पावर गेन करना चाहता था, जबकि ब्रिटिशर्स ने बंगाल गेन कर लिया था आफ्टर प्लासी और उनके पास वहाँ से रेवेन्यू रिसोर्सेज आना शुरू हो गए थे। इस वजह से उनको डिफीट करना फ्रेंच के लिए ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अगर वो ब्रिटेन की तरह ब्रिटिशर्स की तरह अगर वो बंगाल से स्टार्ट करते तो वो इंडिया को कॉन्कर कर सकते थे। तो इस तरह से आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होने, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आप आंसर राइटिंग कर लोगे तो आंसर राइटिंग का पैटर्न पता लगेगा, ऊपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पता लग जाएंगे, जो कि एटलीस्ट 50-60% पेपर तो रिपीट होता है। देयर इज नथिंग स्पेशल इन द पेपर। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा था कि ड्यूपले वॉज फाइंडिंग द की इन द साउथ व्हाइल द क्लाइव फाउंड इट इन द बंगाल। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी लिखा नहीं है, विच आई विल अपडेट ऑन दिस क्वेश्चन टू। तो ये सेम ही क्वेश्चन है जिनका आंसर फॉर्मेट भी सेम ही रहेगा, तो आप ये आंसर जरूर लिखें। एंड मैं अभी अपना आंसर शाम तक अपडेट करूंगा जितना भी मेरे को आता है। आफ्टर रीडिंग आई विल अपडेट माई आंसर इन द इवनिंग। ओके, थैंक यू। आई थिंक दिस इनिशिएटिव विल हेल्प यू एंड आई विल अपडेट इट डेली, so please follow it from here, history optional answer writing। okay, thank you।